आज मल्टीरूफ फूड की चुनौती में जोरदार टक्कर होने वाली है, जहां हमारे प्रतियोगियों को अलग अलग गति में अपने स्वादिष्ट ट्रीट को खाना होगा। कोई रॉकेट की तरह तेज खाएगा तो कोई कछुए की तरह धीरे। उफ, मैं धीरे नहीं करना चाहती हूँ और मैं तेज गति चाहती हूँ। वाह, मैं इससे खुश हूँ। वाह, मुझे सामान्य गति मिली है, मुझे लगता है ये एकदम सही है। वाह, देखो मुझे बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम मिली है। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रीट से बढ़िया कुछ और हो सकता है। पर मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ यह सब सोचने में। चम्मच तैयार है, हर बाइट का स्वाद लेना है मुझे। मैं इस आइसक्रीम को खाने के लिए काफी उत्सुक हूँ, पर अब तुम्हें देखकर मैं इसे तुरंत खा लेना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक आइडिया भी है इस आइसक्रीम की जल्दी से खाने के लिए। कैसे? मैं इस डब्बे से आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, बल्कि इसे डब्बे से बाहर निकालकर इसे पॉपसिकल की तरह बनाकर खाऊंगी। ये काफी अच्छा लग रहा है। वाह, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। हाँ, मुझे पता है कि यह अच्छा है। मुझे धन्यवाद दो। लग रहा है आइसक्रीम ज्यादा हो गई है। नहीं, मैं ठीक हूँ, खाना जारी रखती हूँ। खैर, अगर तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है तो अब मेरी बारी है। मैं तुम लोगों का जब इंतजार कर रही थी तब तक मेरी आइसक्रीम थोड़ी पिघल गई है, लेकिन इससे इसका स्वाद कम नहीं हो जाएगा। क्या कहा तुमने, पिघल गई? फिर मुझे एक तरीका पता है, मैं तुम्हारी आइसक्रीम का मजा कैसे ले सकती हूँ। इसके लिए मुझे बस एक लंबी स्ट्रॉ की जरूरत है। कितना स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। अरे, मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? जेस, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरी गलती नहीं है। मुझे तरबूज बहुत पसंद है। हाँ, ये सभी को पसंद होता है, पर अफसोस की बात है कि मुझे जल्दी से खाना होगा। हाँ, तरबूज को धीरे धीरे मजे लेकर खाना ही अच्छा होता है। वैसे मैं पहले खाना चाहती हूँ, अगर तुम लोगों को दिक्कत ना हो तो मैं शुरू करूँ। हाँ, शुरू करो। बहुत बढ़िया, पर पहले मुझे इन बीज से छुटकारा पाना होगा। मेरा तो यह कहना है कि सभी तरबूज को बिना बीज के होना चाहिए। हाँ, इस बात में दम है, आखिर बीज कौन खाता है। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं इनको निकाल रही हूँ। क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो, मुझे नींद आ रही है। मेरा हो गया, तुम सोओ मत, तुम लोग मुझे इस स्वादिष्ट तरबूज को खाते हुए देख सकते हो। यह कमाल का है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कितना समय लगा रही है, अब शिकायत बंद कर रहा हूँ। मेरा हो गया है। जैक, अब तुम्हारी बारी है। ये मैं अपने तरबूज के साथ कुछ समारोह करना नहीं चाहता, मैं बस इसे टुकड़ों में काट कर जल्दी से खा लेना चाहता हूँ। तुम जिस तरह से खा रहे हो ना, देखकर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या इसका स्वाद अच्छा है? अद्भुत, हर टुकड़ा जादुई स्वाद से भरा हुआ है। बिल्कुल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं जैक को खाते हुए देखकर थक गई हूँ, मैं भी जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। और यह, वाह, ये अच्छे से काम किया, मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं बेहतर। अब तुम खुश हो ना, अब तुम अपने बेकार तरबूज को खाओ मेरी। सच में? ये okay. तुम छिलकों को क्यों काट रही हो, ये गंदा लग रहा है। ध्यान से करो, तरबूज के टुकड़े सीधे हमारे ओर उड़कर आ रहे हैं। थोड़ा ठीक से करो। तुम दोनों किस बात पर चिल्ला रहे हो, मैं बस अभी खा रही थी, वैसे वो बहुत स्वादिष्ट था। वाह, न्यूटेला की एक पूरी जार, पर मैं इसे कैसे खाऊं? मुझे पता है आमतौर पर न्यूटेला कैसे खाते हैं। हाँ, टोस्ट के साथ, इसलिए अभी मुझे इसकी ही जरूरत थी। देखो और कोशिश करो कि तुम्हें मुझसे जलन ना हो। गर्म टोस्ट को इस तरह से खाने से ज्यादा स्वादिष्ट और कुछ नहीं होता है। और इसके साथ अगर कॉफी होता तो और भी बढ़िया होता, पर उसके बिना भी सब कुछ अच्छा है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे यहाँ टोस्टर ले सकती हूँ, मुझे इसकी सच में जरूरत है। वाह, मेरे लिए एक टोस्ट तैयार भी हो गया, ये सीधे मेरे मुंह में जाएगा। अब मैं अपना न्यूटेला खोलती हूँ।
ब्रेड पर लगाने की क्या जरूरत है जब इसे सीधे मुंह में डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसा करने के बारे में कभी सोचा क्यों नहीं था। ये तो दिलचस्प आइडिया है। बेशक, तुमने क्या सोचा था, मैं जीनियस हूँ। एमा, अब ये टोस्टर तुम्हारा है। मुझे वास्तव में और न्यूटेला चाहिए। वैसे ये जार मेरी है, तुमने अपना पहले ही खा लिया है, इसलिए दूर रहो, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। यह तो मैंने जितना सोचा था उसे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। यह धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या तुम्हें कुछ जलने की बदबू आ रही है? हाँ, कहीं आग लगी है, लगता है कहीं नजदीक ही। टोस्टर, यह धुआं टोस्टर से आ रहा है। ओ, लगता है मेरा टोस्ट कुछ ज्यादा ही पक गया है। आग! एमा, डरो मत, मैं तुम्हें इस आग से बचाऊंगी। यह तुमने क्या किया? मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जल रही थी। खैर, अब तो बिल्कुल भी नहीं जलोगी। नहीं, नींबू नहीं, ये बहुत खट्टे होते हैं, इसे कोई पसंद नहीं करता है। मिस्टर डेयर डेविल जैक इसे पहले खाएगा। मैं ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि इतने खट्टे से मुझे उल्टी ना आए। ये बहुत खराब है। ओह, इसे मेरा पूरा चेहरा ही टेढ़ा हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, ये भयानक है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे नींबू के टुकड़े हैं। आखिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? हाँ, जैक के लिए मुश्किल भरा समय है और हम लोग इंतजार करके बोर हो रहे हैं। बस हो गया, मैंने कर लिया, ये अब तक की सबसे खराब चीज थी। शाबाश, अच्छे से किया। मोनिका, अब तुम्हारी बारी है इस नींबू के मजे लेने का। मेरी बारी आ भी गई। ठीक है, असल में मेरे पास एक आइडिया है इस नींबू को कम खट्टा कैसे बनाया जाए। मुझे बस इस पर मीठा सिरप डालना होगा, फिर मुझे इसका खट्टा स्वाद उतना नहीं आएगा। मैंने कहा था ना, ये बहुत बेहतर है। अब नींबू उतना खट्टा नहीं है। यह सही नहीं है, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि मोनिका को टबैस्को का स्वाद पसंद आएगा। चलो देखता हूँ कि तुम इसे कैसे संभालती हो। ये तीखा है, मैं जल रही हूँ। आग, बचाओ। ओह माय गॉड, मेरे सिरप ने मुझे फिर से बचा लिया। मैरी, अब बस तुम ही बची हो, मुझे पता है, और मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकती हूँ, क्योंकि मैं बहादुर और मजबूत हूँ। क्या तुम लोगों ने देखा कि मेरे पास कैसे मसल्स हैं? हाँ, मैं तुरंत ही इस नींबू को निचोड़ दूंगी, बिना ज्यादा प्रयास के भी सभी रस निकाल दूंगी। देखो और सीखो। ये स्वादिष्ट होगा। मुझे लगता है कि मैंने शायद जल्दी ही बोल दिया। दोस्तों, क्या तुम लोग देख रही हो कि इस दौर में हमें क्या मिला है? बहुत सारे हवा बाबा बबल गम, बहुत बढ़िया। अच्छा है, पर हमें इस रैपर से छुटकारा पाना होगा। अब हम इन्हें शांति से चबा सकते हैं। यह बबल गम बहुत ही नरम और स्वादिष्ट है। क्या तुम जानती हो कि नरम गम इतने अच्छे क्यों होते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इससे सबसे अच्छे बबल बनते हैं। वाह, बुरा नहीं है। जैस, कैसा रहेगा अगर इसे माप कर देखें? देखो, ये बहुत अच्छा है। अब तक ये जीत का दावेदार है। मैं कुछ ही समय में एक बड़ा बबल बना सकती हूँ। बस गम को अच्छे से चबाने की जरूरत है। बस इसे धीरे धीरे करना है, पूरा समय लगाकर। इतना धीरे? कम से कम थोड़ा तेज किया जा सकता है। ध्यान से देखो, मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, चलो इसका साइज नापते हैं। नहीं, यह जैस के बबल से छोटा है। दुर्भाग्य से आज एमा हार गई है। खैर, जो भी हो, यह गम अभी भी स्वादिष्ट है। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असली बबल किसे कहते हैं। तुम लोग एक बार में एक गम खा रहे थे, मैं एक बार में सारे गम खाऊंगी, तुम हैरान रह जाओगी। क्या तुम लोग तैयार हो?
बहुत बड़ा हो रहा है, ये फटने वाला है। मैं कह रही हूँ रुक जाओ। उप्स, अब मैं पूरी तरह से गम में ढकी हुई हूँ, पर मैं तुम लोगों को दिखा दिया है कि असली बबल कैसा होता है। हमारे चैनल के साथ बने रहें, यहाँ आपके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो काफी मजेदार हैं। अगली बार फिर मिलते हैं।